सबसे ज्यादा ये एरा है, 56 इंच का सीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है, जोर से बोलोगे तो छीन देगा, ये है सुल्तान। साथियों, याद कीजिए महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण महारथी थे, सारथी थे। आज 130 करोड़ महारथियों के बलबूते पर हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है। इसमें काशी वासियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। काशी के बारे में कहा गया है, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अदहानी कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ही कसर। अर्थात ये ज्ञान की खान है, पाप और संकट का नाश करने वाली है। संकट की इस घड़ी में काशी सबका मार्गदर्शन कर सकती है, सबके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। काशी का अनुभव शाश्वत, सनातन, समयातीत है और इसलिए आज लॉकडाउन की परिस्थिति में काशी देश को सिखा सकती हैं संयम, समन्वय और संवेदनशीलता। हमें भी ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, एषः पन्थाः। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। How to prevent getting COVID disease? कैसे बचें? तीन साधन हैं बचने के, सोशल डिस्टेंसिंग, एक 3 फीट या 1 मीटर का अंतर, यानी भीड़ भाड़ में नहीं जाएं। दूसरा, जब भी हम कुछ छूते हैं हाथ साफ करें, पहले और बाद में, और करते रहें। और तीसरा, खांसते छींकते समय हम रुमाल, कोई भी और सैनिटरी टिश्यू पेपर, और वो भी नहीं है तो अपनी मुड़ी हुई कोहनी का इस्तेमाल करें। इन तीन माध्यमों से, इन तीन तरीकों से हम खुद और औरों को भी बचा सकते हैं। साथियों, हम इस बात पर विश्वास करने वाले लोग हैं
जो मानते हैं कि मनुष्य ईश्वर का ही अंश है, व्यक्ति मात्र में ईश्वर का वास है। यही हमारे संस्कार है, यही हमारी संस्कृति है। कोरोना वायरस न हमारी संस्कृति को मिटा सकता है और न ही हमारे संस्कार मिटा सकता है, और इसलिए संकट के समय हमारी संवेदनाएं और जागृत हो जाती है। कोरोना के जवाब देने का दूसरा एक ताकतवर तरीका है, और वो तरीका है करुणा। कोरोना का जवाब करुणा से। हम गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति करुणा दिखाकर भी कोरोना को पराजित करने का एक कदम ये भी कर ले सकते हैं।